यहाँ पे बबूती ये बोल नहीं सकते थे, कम बोलते थे, तो इसी बारे हम लोग यहाँ थे, इनको पैरालाइज का अटैक आया था। तो अब कुछ फर्क हुआ? कुछ तो फर्क है, कुछ तो लग रहा है कि पहले जैसे बिल्कुल थोड़ा सा, कई बार वर्ड बोलते तो थोड़ा थोड़ा क्लियर निकलता है कभी कभी। तो मुंह बंद हो गया था पूरा, तो दो दिन में बोलने लग गए थे यहीं आके। हाँ, मैं काम बॉम्बे में करता हूँ, बट बेसिकली यूपी का हूँ, यूपी कानपुर। मैं फेशियल पालसी हुआ था, राइट साइड में चेहरे पे लकवा मार गया। यहाँ पे आज मेरा चौथा रोज़ है, और पहले रोज़ ही आके यहाँ के कुछ वाइब्स, वाइब्रेशन ऐसे हैं कि कुछ है इस जगह में, कुछ इस जगह में बात है, कुछ एक अजीब सी पॉजिटिविटी है। पहले दिन से ही जो मूवमेंट्स मेरे राइट साइड फेस के नहीं हो रहे थे वो होने लग गए थे। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जब इसी उम्मीद से गहरी आस्था भी जुड़ी हो तब होते हैं चमत्कार। कैसा भी लकवा क्यों ना हो, यहाँ केवल 7 दिन की फेरी में मिल जाता है आराम। इसे मंदिर कहें या चिकित्सालय, क्योंकि यहाँ का जो उपचार है वो है एक चमत्कार। क्योंकि उपचार करने वाला यहाँ कोई डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति है। महासागरों की सीमाएं भी नहीं रोक पाई थी जब यहाँ इलाज कराने पहुँची थी अमेरिका के शिकागो की जेनिफर क्राफ्ट नाम की एक महिला। प्रतिदिन यहाँ उमड़ने वाला विशाल जनसैलाब ही यहाँ के सफल निशुल्क उपचार की दास्तां बयान कर देता है। यह है बुटाटी धाम, जहाँ होता है लकवे का निशुल्क और प्रभावी उपचार। तो क्या है इस मंदिर की पूरी कहानी, और क्या है यहाँ होने वाले इलाज की पूरी प्रक्रिया, और कैसी है यहाँ निशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था, तमाम बातें इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। बुटाटी धाम राजस्थान में नागौर से 40 किलोमीटर दूर अजमेर नागौर मार्ग पर कुचेरा कस्बे के पास में स्थित है। यहाँ से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मेड़ता रोड है। ये स्टेशन जयपुर एवं जोधपुर रूट पर आता है। बुटाटी धाम को यहाँ संत चतुर्दास जी महाराज के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर संत चतुर्दास जी महाराज की समाधि स्थल है। मान्यता है कि लगभग 500 साल पहले संत चतुर्दास जी का यहाँ पर निवास था। चारण कुल में जन्मे वे एक महान सिद्ध योगी थे। यह है मंदिर का मुख्य भाग, जहाँ से श्रद्धालु और मरीज प्रसाद चढ़ाते हुए यहाँ से दर्शन करते हुए फेरी की शुरुआत करते हैं। यहाँ से फेरी लगाई जाती है, और जो संत चतुर्दास जी महाराज थे बहुत बड़े महान सिद्ध योगी थे, और अपनी सिद्धियों से लकवा के रोगियों को रोग मुक्त कर देते थे। आज भी लोग लकवा से मुक्त होने के लिए इनकी समाधि पर 7 फेरी लगाते हैं। ये देखिए मुख्य स्थल, और यहाँ पर उनके जो पैरों के निशान हैं, उनके चिन्ह हैं, उन्हीं की यहाँ पे पूजा की जाती है, और यहाँ से फेरी की शुरुआत की जाती है। 7 दिन रुककर यहाँ फेरी लगाने से मान्यता है कि लकवे में पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। यहाँ पर देश भर से प्रतिवर्ष लाखों लकवा मरीज व अन्य श्रद्धालु आते हैं। विशेष रूप से एकादशी व द्वादशी के दिन यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिलता है। यह मंदिर सप्त परिक्रमा द्वारा लकवा के रोग से मुक्त कराने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लकवा के मरीजों को 7 दिन का प्रवास करते हुए रोज एक परिक्रमा लगानी होती है। सुबह की आरती के बाद एक परिक्रमा व शाम की आरती के बाद दूसरी परिक्रमा लगानी होती है, और ये दोनों परिक्रमा मिलकर पूरी एक परिक्रमा कहलाती है। लगातार 7 दिन तक मरीज को इसी प्रकार से परिक्रमा लगानी होती है।
रोजाना सुबह शाम परिक्रमा के साथ साथ इस हवन कुंड की भभूति को तेल में मिलाकर पीड़ित के जो पीड़ित अंग है उस पर मालिश करते हैं और बीमारी धीरे धीरे अपना प्रभाव कम कर देती है। शरीर के अंग धीरे धीरे काम करने लगते हैं। हम हैं जैसे हनुमानगढ़ ज़िले से। हनुमानगढ़ ज़िले से? अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए? आज तो हमारे को 6 दिन हो गए सर। क्या समस्या थी आपको? समस्या से एक साइड बिल्कुल ही रह गया था तो चला नहीं जाता था। नहीं सर। और अब आप चल सकते हैं? सर, अब तो मैं इसके बगैर चल सकता हूँ। तो बिल्कुल वैसे उठा के लाए थे दिल्ली से। कितने दिन हो गए आपके आए? 6 दिन हो गए आज। क्या समस्या थी इनको? ये बोल नहीं सकते थे, कम बोलते थे, तो इसी बारे हम लोग यहाँ आए थे। इनको पैरालाइज का अटैक आया था। तो अब कुछ फ़र्क हुआ? कुछ तो फ़र्क है, कुछ तो लग रहा है कि पहले जैसे बिल्कुल थोड़ा सा कई बार वर्ड बोलते तो थोड़ा थोड़ा क्लियर निकलता है कभी कभी। उज्जैन से आए बहू जी। नहीं, 4 दिन पहले तो कुछ ज़्यादा सीरियस थे, अभी आराम है। 4 दिन में काफ़ी आराम हुआ है? हाँ हुआ, काफ़ी आराम हुआ है। हाँ, इससे पहले हम लाए थे 2018 में, जब इनको हुआ था तो मुंह बंद हो गया था पूरा, तो 2 दिन में बोलने लग गए थे यहीं आके। अभी लाए तो अभी 4 दिन से लाए हैं, तो अभी इनको अच्छा आराम है। हाँ, मैं काम बॉम्बे में करता हूँ, बट बेसिकली यूपी का हूँ, यूपी कानपुर। क्या समस्या थी आप? मैं फेशियल पाल्सी हुआ था, राइट साइड में चेहरे पे लकवा मार गया था। कितने दिन हो गए यहाँ पे आए? यहाँ पे आज मेरा 4th रोज़ है, और पहले रोज़ ही आके यहाँ के कुछ वाइब्स वाइब्रेशन ऐसे हैं कि कुछ है इस जगह में, कुछ इस जगह में बात है, कुछ एक अजीब सी पॉजिटिविटी है। पहले दिन से ही जो मूवमेंट्स मेरे राइट साइड फेस के नहीं हो रहे थे वो होने लग गए थे। तो ये सच है कि बाबा चतुर्दास जी की महाराज की ये यहाँ पे जो समाधि है, यहाँ पे कुछ कृपा है उनकी। साहब, ये चतुर्दास जी महाराज हैं जो यहाँ बुटाटी में संत थे, जो अपने संत घूमते हुए आए थे, और इन्होंने यहाँ पर जो चारभुजा मंदिर है वहाँ पर ये भक्ति करते थे। कृष्ण जी के भक्त थे चारभुजानाथ के, और इन्होंने यहाँ पर फिर उसके बाद काफ़ी समय तक यहाँ समाधि वो किया, फिर उसके बाद यहाँ पर समाधि ली थी उन्होंने, जिंदा समाधि। और ये दादूपंथी के गुरु भाई थे, इनके गुरु एक ही थे, दादू जी के और चतुर्दास जी महाराज के गुरु एक ही थे। और यहाँ पर जितने भी पैरालाइज लोग हैं, जिनके छोटी मोटी दर्द है या कोई ऐसी कोई समस्या है, उसका सबका निवारण करते हैं। बबूती है जो यहाँ की धुणे की, उसकी मेन मान्यता है, और फेरी की। और अगर आप यहाँ 7 दिन रुक के, जैसे सुबह शाम की आप जो आरती अटेंड करते हैं, उसमें आप जो एक दिन की मानी जाती है, यानी एक दिन की एक ही फेरी मानी जाती है, तो आप यहाँ 7 दिन रुकते हैं, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की वातावरण है, जो यहाँ की पवित्र भूमि है, इसका फ़र्क पड़ता है, जिससे उसके संकट दूर होते हैं, तकलीफ़ दूर होती है, और ये इसका मेन तो है। और यहाँ पर जो मेन है, ये जैसे है, आप गायों को, भूखी गायों को दाना चारा दें, पक्षियों को दाना दें, अगर आपको जैसे धर्म करना है, वो मेन यहाँ का है। प्रसाद इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि गायों को और पक्षियों को, भूखी गायों को, पक्षियों को, इनको दाना देने से और चारा देने से ही इनकी मानते हैं। यहाँ के गांव के सभी ट्रस्ट, सभी कास्ट में से 2-2 मेंबर लिए जाते हैं, और उनसे एक ट्रस्ट बनाया गया है, और उसी ट्रस्ट से यहाँ का देख रेख करते हैं। जो यहाँ का आपका जो चढ़ावा आता है, उससे यहाँ जितने भी यात्री आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके हर चीज़, पानी की व्यवस्था, वो सब की यहाँ व्यवस्था की जाती है, दिया जाता है, और फ्री है यहाँ से, कुछ किसी का भी कोई चार्ज नहीं है। मंदिर परिसर काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, सैकड़ों कमरे और सैकड़ों यहाँ पे सुलभ शौचालय, रहने और खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था मंदिर परिसर में है, बड़े बड़े हॉल। अभी ये COVID-19 की वजह से खाली है, लेकिन अभी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना है वो अब कम हो गया है। और ये देखिए, बिस्तर मंदिर परिसर में बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं पीड़ित और उनके परिजनों को।
बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे जो कमेटी है उसके द्वारा की गई है। खाने के लिए यहाँ पे आटा दिया जाता है और साथ में सब्जी। खाना खुद बनाना पड़ता है। लकड़ियाँ फ्री में मिलती हैं और चूल्हे की व्यवस्था मंदिर परिसर के ही अंदर की गई है। काफ़ी बड़ा ये क्षेत्र है, चारों ओर यहाँ कमरे और ये देखिए बीच में चूल्हे हैं और यहाँ व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि अभी ये 15-16 फरवरी से यहाँ पे वापस से पीड़ित हैं, यहाँ पे ठहर सकते हैं। तो ये देखिए खाना बनाने के लिए चूल्हों की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और सब कुछ निःशुल्क है। बर्तन भी यहाँ पे फ्री में, और आप चाहें तो मंदिर के पास में गेस्ट हाउस है वहाँ भी रुक सकते हैं, धर्मशालाएँ हैं वहाँ पर आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।